हे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल उत्तराखंड अचीवर में। आई होप आप सब लोग सेफ होंगे और घर पे होंगे। तो आज हम आपको अलंकार के अंदर अर्थ अलंकार के बारे में बताएंगे और उसके भेद के बारे में हम जानेंगे। वैसे तो अर्थ अलंकार के आपके 25 से 125 भेद हैं, और अगर आप बुक्स में देखेंगे तो आपको वहाँ पे 50 भेद मिल जाएंगे अर्थ अलंकार के अंतर्गत। लेकिन हम केवल मेन जो इसके भेद है वो 5 हैं, तो हम उन 5 भेदों के बारे में जानेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं अर्थ अलंकार होता क्या। देखिए, अर्थों के माध्यम से किसी काव्य या कविता की क्या बढ़ती है, शोभा या सुंदरता बढ़ती है, ऐसे अलंकारों को हम अर्थ अलंकार कहते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं इसके भेद की ओर। देखिए, पहला भेद है इसमें, पहला जो भेद होता है इसका वो होता है उपमा, उपमा अलंकार। देखिए, उपमा में क्या होते हैं, 4 अंग होते हैं। ठीक है, उपमा के अंतर्गत 4 अंग आते हैं। जो पहला अंग होता है इसका वो होता है उपमेय। ठीक है, दूसरा जो अंग होता है उपमान, तीसरा जो अंग होता है वाचक शब्द, वाचक शब्द, और चौथा जो अंग होता है वो होता है आपका साधारण धर्म। ठीक है, देखिए, अगर हम बात करें किसकी, उपमेय की, उपमेय वो होता है जिसके साथ हम क्या करते हैं, जिसकी हम तुलना करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उपमेय कहते हैं। ठीक है, उपमान वो होता है जिसके साथ हम उस चीज की क्या करते हैं, तुलना करते हैं, उसे हम उपमान कहते हैं। चौथा आता है आपके पास वाचक शब्द। वाचक शब्द वो शब्द होता है जिसके द्वारा हम क्या बोलते हैं, उपमेय उपमान की क्या दिखाते हैं, समानता दिखाते हैं जिस शब्द के द्वारा, उसे हम क्या बोलते हैं, वाचक शब्द कहते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका साधारण धर्म। साधारण धर्म वो होता है जो दोनों में क्या होता है, समान होता है। ठीक है, साधारण धर्म क्या होता है, समानता का धर्म होता है। ठीक है, देखिए मैं उदाहरण देके गया आपको समझाऊं। उदाहरण अगर मैं आपको दूं, देखिए इसमें सीता का मुख चंद्रमा के समान, चंद्रमा के समान, चंद्रमा के समान सुंदर है। ठीक है, मैंने बोला सीता जी का मुख किसके समान सुंदर है, चंद्रमा के समान सुंदर है। पहली बात, यहाँ पे इस वाक्य में सीता जी के मुख की क्या की जा रही है, तुलना की जा रही है। देखिए, उपमा अलंकार वो अलंकार होता है जहां पे क्या होता है, उपमेय का, जहां पे क्या होता है, उपमेय को उपमान की क्या बताया जाता है, समान बताया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उपमा अलंकार कहते हैं। ठीक है, समान या फिर हम उस चीज की क्या करते हैं, तुलना करते हैं, ऐसे उनको हम उपमा अलंकार कहते हैं। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या तुलना किसकी की जा रही है, मुख की तुलना की जा रही है। यहाँ पे क्या की जा रही है, मुख की क्या की जा रही है, तुलना की जा रही है। तो देखिए जो मुख होगा आपका, जो क्या होगा, मुख क्या है आपका, उपमेय है, क्योंकि इसकी क्या की जा रही है, तुलना की जा रही है। और जो उपमान होगा जिसके साथ हम इसकी तुलना करें, मुख की तुलना किसके साथ कर रहे हैं, चंद्रमा के साथ कर रहे हैं। तो देखिए चंद्रमा क्या हो जाएगा आपका, उपमान हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है वाचक शब्द की। वाचक शब्द क्या होगा, जिसके द्वारा क्या की जा रही होगी, जिसके द्वारा उपमेय उपमान की क्या की जा रही होगी, तुलना की जा रही होगी जिस शब्द के द्वारा, उसे हम क्या बोलते हैं, वाचक शब्द कहते हैं। तो देखिए किसके द्वारा की जा रही है, सम्मान, किसके सम्मान, तो जो इसमें सम्मान होगा ये क्या होगा आपका, वाचक शब्द होगा। जैसे सम्मान आ गया, सा आ गया, ऐसा आ गया, तो ये क्या होते हैं आपके, वाचक शब्द होते हैं। ठीक है, साधारण धर्म जो दोनों में क्या होगा, सम्मान होगा। देखिए जैसे सुंदर, सुंदर क्या है आपका, साधारण धर्म है। साधारण धर्म वो इसलिए है क्योंकि मुख की सुंदरता का भी बात की जा रही है और चंद्रमा की सुंदरता की भी बात की जा रही है, तो इसीलिए जो सुंदर होगा
वो क्या होगा आपका साधारण धर्म होगा, ठीक है। तो उपमा अलंकार वो होते हैं जहां पे हम तुलना की बात करते हैं, वहां पे क्या आता है आपका उपमा अलंकार आता है, ठीक है। देखिए जैसे एक और उदाहरण है आपके पास कि एक और उदाहरण है आपके पास क्या है, एक और उदाहरण हरिपद, हरिपद हरिपद कोमल, हरिपद कोमल कमल से। हरि के पद क्या है, हरि जी, हरि भगवान जी होते हैं या विष्णु भगवान जी, कृष्ण भगवान जी, ठीक है। तो उनके पद किसके समान कोमल है कि कमल के समान कोमल है। तो यहाँ पे जो पद होगा वो क्या होगा आपका उपमेय, ठीक है, और जो कमल होगा वो क्या होगा उपमान, ठीक ठीक है। तो ये था क्या आपका उपमा अलंकार के बारे में था। अब हम बात करते हैं आपके रूपक अलंकार के बारे में कि रूपक अलंकार में क्या आता है, ठीक है। देखिए दूसरा जो इसका भेद होता है वो होता है रूपक। यहाँ पे क्या होता है रूपक अलंकार में भेद नहीं होता है, ठीक है, ये अभेद होता है, उसे हम रूपक रूपक अलंकार कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे तुलना नहीं की जाती किसी चीज की, यहाँ पे सीधा बोल दिया जाता है। देखिए वहां पे उपमा अलंकार में हम कह रहे थे कि जो सीता जी का मुख है वो क्या है, चंद्रमा के समान सुंदर है, लेकिन यहाँ पे हम बोलेंगे कि सीता जी का ही मुख है चंद्रमा है, हम यहाँ पे बोलेंगे कि सीता जी का मुख, सीता जी का मुख चंद्रमा है। हमने क्या बोला यहाँ पे, तुलना नहीं की हमने, हमने सीधा बोला कि यहाँ पे जो सीता जी का मुख था वो क्या है, चंद्रमा है, ठीक है। जैसे हम बोलेंगे चरण कमल, चरण कमल बंदो हरि राय, ठीक है। जैसे हमने बोला चरण कमल बंदो हरि राय, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो उनके चरण है वो क्या है, कमल ही है, ठीक है, वो जो उनके चरण है वो कमल ही है, जो सीता जी का मुख है वो क्या है, चंद्रमा ही है। यहाँ पे तुलना की बात नहीं होती है, यहाँ पे सीधा बोल दिया जाता है कि वो जो है वो चंद्रमा है या वो जो है वो कमल ही है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है आपका वाचक शब्द भी नहीं होता है, क्योंकि वाचक शब्द वहां पे होता है जहाँ पे हम क्या करते हैं, किसी चीज की तुलना करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम किसी चीज की तुलना नहीं करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है वाचक शब्द भी नहीं होता है, ठीक है, इस चीज का भी आप ध्यान रखना, ठीक है। तो ये थी तो बात आपकी किसकी, रूपक अलंकार की। अब हम बात करेंगे उत्प्रेक्ष अलंकार की, किसकी बात करेंगे, तीसरा भेद है जो इसका उत्प्रेक्ष अलंकार, ठीक है। तो उत्प्रेक्ष अलंकार में हम कल्पना करते हैं किसी चीज की, क्या करते हैं, कल्पना करते हैं, कल्पना, ठीक है, कल्पना। या फिर इसमें क्या होते हैं, बोधक शब्द के द्वारा हम इसको पहचानते हैं, शब्द के द्वारा हम इनको पहचानते हैं कि ये क्या है, उत्प्रेक्ष अलंकार। ऐसे मनु, जनु, मनहु, जनहु, ठीक है, जानो, जनो, मनो, ठीक है। देखिए ये जो बोधक शब्द होते हैं इसके द्वारा भी हम पहचानते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, उत्प्रेक्ष अलंकार होगा, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं कि नेत्र मानो कमल, ठीक है, नेत्र कैसे है? कमल की नेत्र, हमने कल्पना की जो नेत्र है वो क्या है, कमल है, हम सोच रहे हैं कि नेत्र जो है कमल है, यहाँ पे हम तुलना नहीं करते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, कल्पना करते हैं किसी चीज की, ठीक है। देखिए अब क्या होता है, कभी कभी हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि तुलना और कल्पना में क्या होगा, मतलब है ना, हम समझ नहीं पाएंगे कि यहाँ पे उत्प्रेक्ष अलंकार है यहाँ पे उपमा अलंकार है, ठीक है। तो इसके लिए अगर जहां पे आपको समझना है वहां पे आप देखना जहां पे ये बोधक शब्द होंगे, मनु जनु मानहु मानो जानो, ऐसे जो शब्द होंगे अगर उस वाक्य या काव्य में, तो आप समझ जाना कि वो क्या है, उत्प्रेक्ष अलंकार है, ठीक है। इन शब्दों के द्वारा
आप समझ जाना कि वो क्या है, उत्प्रेक्ष अलंकार है। ठीक है, तो उत्प्रेक्ष अलंकार में क्या होता है, हम कल्पना करते हैं किसी चीज की, या फिर उनपे उस काव्य कविता में अगर मनु जनु मनु जानो मानो जानो हो तो वो क्या होंगे आपके, उत्प्रेक्ष अलंकार होंगे। ठीक है, ये थी बात आपकी उत्प्रेक्ष अलंकार की। अब हम बात करेंगे किसकी, जो इसका चौथा भेद है मानवीकरण। ठीक है, चौथा जो इसका भेद है वो है मानवीकरण अलंकार में। ठीक है, मानवीकरण अलंकार क्या होता है आपका, कि जो निर्जीव वस्तु होती है उसको वो क्या बता देता है, सजीव की तरह बता देता है। ठीक है, निर्जीव वस्तु को किसकी तरह बता देता है, सजीव की तरह। जैसे एक उदाहरण है आपके पास, मेघ आए, मेघ आए बड़े बंठन के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। ठीक है, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि मेघ बादल वो क्या है, बंठन कर आ रहे हैं, तैयार होकर आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है, मेघ क्या एक निर्जीव वस्तु है। ठीक है, निर्जीव चीज है जो कभी क्या नहीं आ सकती, बंठन के सवर के नहीं आ सकती है। लेकिन इन्होंने क्या किया है कि जो मेघों को एक सजीव वस्तु की तरह क्या किया, प्रस्तुत किया है कि मेघ क्या है, बंठन के सवर के आ रहे हैं। तो ऐसे उनको क्या बोलेंगे हम, ऐसे काव्य कविता या वाक्य को हम क्या बोलेंगे, मानवीकरण अलंकार कहेंगे। जहाँ पे निर्जीव वस्तु को सजीव वस्तु की तरह प्रस्तुत किया जाता है, ऐसे उनको हम मानवीकरण अलंकार कहते हैं। ठीक है, ये थी बात आपकी मानवीकरण अलंकार की। अब आता है आपका लास्ट भेद, पांचवा भेद आता है आपका अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार, देखिए अतिशयोक्ति, अति का मतलब होता है ज्यादा, जरूरत से ज्यादा। इसमें क्या होता है, किसी चीज का वर्णन बड़ा चढ़ा कर किया जाता है। ठीक है, बड़ा चढ़ा कर किसी चीज का वर्णन किया जाता है, ऐसे अलंकारों को हम अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। देखो अति मतलब होता है ज्यादा, जरूरत से ज्यादा बताया जाता है इसमें, ऐसे अलंकारों को हम अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण देखना आप, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने कदन में जा रही। तो यहाँ पे क्या है, एक नगरी, एक जगह का, ठीक है, एक महल का क्या किया जा रहा है, वर्णन किया जा रहा है। ठीक है, और बोला जा रहा है कि वो जो महल है वो क्या है, स्वर्ग के समान क्या है, सुंदर है। ठीक है, स्वर्ग के समान सुंदर है। तो जैसे आप लोग जानते हैं कि स्वर्ग क्या होता है, बहुत सुंदर होता है। ठीक है, स्वर्ग के समान सुंदर कुछ भी चीज नहीं हो सकती है। लेकिन यहाँ पे क्या, उस चीज को ज्यादा बताया जा रहा है, बड़ा चढ़ाकर बोला जा रहा है कि नगरी क्या है, स्वर्ग की तरह क्या लग रही है, सुंदर लग रही है। तो ऐसे उनको क्या बोलेंगे हम, अतिशयोक्ति अलंकार कहेंगे। जहाँ पे क्या होगी, बड़ा चढ़ाकर किसी चीज की बात की जा रही होगी, जा रहा है, ऐसे अलंकारों को हम अतिशयोक्ति अलंकार कहेंगे। तो ठीक है, ये था आज आपके पास अर्थ अलंकार के भेदों के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे जानेंगे, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।